मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के संभावित मंत्रियों की फोन की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। अमित शाह को शपथ ग्रहण के लिए कॉल की जा चुकी है। इसके अलावा नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह को शपथ ग्रहण के लिए फोन जा चुका है। टीडीपी के राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर को मंत्री बनाने के लिए कॉल की गई है। अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी को फोन किया गया है। प्रहलाद जोशी और जयंत चौधरी को भी कॉल जा चुकी है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों की शपथ के लिए फोन की घंटी लगातार बज रही है। एचडी कुमारस्वामी को भी कॉल की गई है। पीएम मोदी शपथ लेने जा रहे मंत्रियों से अब चाय पर बात करेंगे, नए सदस्यों को शुभकामनाएं देंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नए मंत्रियों को फोन किया जाना शुरू हो चुका है और लगातार इससे जुड़ी हुई खबर अपडेट न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। टीडीपी के पी चंद्रशेखर को मंत्री बनाने के लिए फोन कॉल किया जा चुका है। तो अभी फोन किया जा रहा है, अब से कुछ ही घंटे के बाद चाय के ऊपर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इन नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उसी चाय पर चर्चा के दौरान दिखाई देने वाले हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज 18 इंडिया से। तीन सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यतेंद्र शर्मा मेरे साथ है, अमित पांडे मेरे साथ है, मानव यादव को भी आप देख पा रहे हैं। तीनों ही सहयोगी आपको ये बताएंगे कि फोन घनघना कहां कहां रहा है। यतेंद्र, आप कई मंत्रियों के नाम अब तक बता चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी हमने दर्शकों को दे दी है, अब अपडेट इस लिस्ट में कुछ और हुआ है क्या? देखिए बिल्कुल, एक और सदस्य को मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए चली गई। अर्जुन राम मेघवाल जो पिछली सरकार में कानून मंत्री थे, आईएएस ऑफिसर रहे हैं और राजस्थान में बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, उनको भी कॉल चला गया। यानी कि जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और उनके जो सहयोगी संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री भी थे, उनको कॉल जा चुका है। उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास ने चाय के लिए बुला लिया है। यानी कि शाम को जब मोदी मंत्रिमंडल की शपथ होगी तो उसमें अर्जुन राम मेघवाल भी शपथ लेंगे। यानी कि एक बड़ा नाम मंत्रिमंडल के लिए उनको भी कॉल गई है, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एचडी कुमार स्वामी जो जेडीएस के हैं, जेडीएस से कर्नाटक, उनको भी कॉल जा चुका है। अर्जुन राम मेघवाल को कॉल जा चुका है, प्रहलाद जोशी को कॉल जा चुका है, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी को कॉल जा चुका है और जो टीडीपी के राम मोहन नायडू और पी चंद्रशेखर, उन दोनों को भी कॉल जा चुका है। एक बात और मैं आपको बता दूं शालिनी, जो सहयोगी दल हैं, जो न्यूज 18 इंडिया ने बताई थी खबर कि किसी भी सहयोगी दल ने कोई डिमांड नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी मोदी सरकार तय करेगी, जो भी बीजेपी आलाकमान तय करेगा, वो उसमें खुश रहेंगे, उनके राज्य का हित रखा जाना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है, जो सहयोगी दल है उनको अभी एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया जा रहा है। को जो खबरें आ रही थी वो पूरी तरह से निराधार साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि कोई किसी तरह की डिमांड सहयोगी दलों ने नहीं रखी थी, केवल एक कैबिनेट और एक एमओएस तय किया गया। जो फॉर्मूला बनाया गया है उस फॉर्मूले के तहत केवल दो दो सदस्य अभी दिए जाएंगे। विस्तार में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है जब भी भविष्य में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन फिलहाल टीडीपी से राम मोहन नायडू और पी चंद्रशेखर को जा चुका है, आरएलडी से जयंत चौधरी को जा चुका है कॉल, ऐसे जेडीयू से भी एक कैबिनेट एक एमओएस रहेगा, अनुप्रिया पटेल को कॉल जा चुका है, सुदेश महतो की पार्टी से जो सांसद जीतकर आए हैं उनको कॉल जा चुका है, इसके अलावा जीतन राम मांझी को कॉल जा चुका है। जीतन राम मांझी को कल रात ही अमित शाह के आवास पर बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई और बातचीत करके माना जा रहा है कि उनको भी कॉल जा चुका है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। फिलहाल ये वो नाम है और धीरे धीरे करके कॉल जा रहे हैं और माना जा रहा है कि 45 से 50 सदस्य हो सकते हैं। सबसे पहले यतेंद्र ही आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तो न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप नजर बनाकर रखिए। सबसे पहले नाम का खुलासा यतेंद्र आपको करते हुए दिखाई देंगे। यतेंद्र, आपने कहा राम मोहन नायडू को फोन जा चुका है, अब उन्हीं के घर के बाहर मानव यादव इस वक्त मौजूद है, तो अब मैं उनका रुख करती हूँ। मानव, तस्वीरें वहां पर क्या है, खुशी जरूर दिखाई दे रही होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी यतिन जी ने बताया था कि किस तरीके से टीडीपी के दोनों सांसदों को कॉल गया है और जो राम मोहन नायडू है वो तीसरी बार के सांसद हैं, अब मंत्री बनने जा रहे हैं, तो सुबह से यहाँ पर उनके चाहने वालों की भी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग आंध्र प्रदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि कल रामोजी राव का निधन हुआ था, उसके बाद सभी टीडीपी के बड़े नेता चले गए थे, तो देर रात राम मोहन नायडू वापस दिल्ली पहुँचे हैं और आज सुबह जब उनकी आँख खुली तो सबसे पहले उनको कॉल पहुँचा और सबसे पहले ये खबर भी टीडी की तरफ से ही पुष्टि कर दी गई है कि चंद्रशेखर पेमासानी और राम मोहन नायडू को कॉल गया है। किस तरीके से देखते हैं, तीसरी बार के सांसद हैं और अब मंत्री बनने जा रहे हैं आपके चहेते राम मोहन नायडू जी? खुशी का बात है क्योंकि मेरा नाम है शुभ नाम शिवाजी पाणिग्रह,
मैं आंध्र प्रदेश से राष्ट्र उड़िया ब्राह्मण का बधाई देने के लिए आए हैं। हाँ, बधाई देने के लिए आए हैं। वो बधाई क्या है, बहुत खुशी बांट नहीं सकते हैं। और दूसरा बात है, ये ऐसा लीडर जो पार्टी में रहेगा वो रोशन ही होगा। नायडू साहब की तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन 16 सीटें टीडीपी को मिली, कहीं ना कहीं एक दावेदारी तो थी, और कहीं ना कहीं जो एनडीए के दल हैं उनको खुश करते हुए दिखाई दे रही है सरकार, और मंत्री बनाया जा रहा है राममोहन नायडू जी को। आप सर, पहले इसको राममोहन नायडू को हैप्पी विशेष करने के लिए मैं विशाखापट्टनम से आया हूँ, आंध्र प्रदेश। मेरा नाम रमना है। ये 2014 और 2019 और 2024 में बहुत मजेटी में ये वाला आया है, ये वाला पब्लिक वर्कर है। देखिए, खास बात मैं आपको बता दूँ, राममोहन नायडू दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई है, डीपीएसआर के प्रो में पढ़े थे, अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद अपने दर्शकों से बातचीत भी कराएंगे कि राममोहन नायडू कॉल आने के बाद करेंगे, और वो भी जो उनका पहला रिएक्शन रहेगा आप तक हम पहुंचाएंगे। अमित भी मेरे साथ है, लेकिन अमित आपके पास मैं आऊँ इसके पहले यतेंद्र का रुख एक बार फिर से करना होगा, क्योंकि यतेंद्र के पास कोई बड़ा अपडेट है। यतेंद्र, सब कुछ दिखाई। यतेंद्र, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो लिस्ट तो लगातार अपडेट होती जा रही है, कोई बड़ी जानकारी है आपके पास क्या? ठीक है, मैं यतेंद्र का रुख करती हूं। अमित पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय चौक पर इसके पहले तस्वीरें भी उन्होंने आपको दिखाई थी। अमित, आज का दिन बेहद खास, सबसे पहले हर लिस्ट, हर संभावित नाम, फोन की घंटी कहां बज रही है, न्यूज 18 इंडिया पहुंचा रहा है दर्शकों तक, आपके पास अपडेट क्या? देखिए, इसमें दो नाम और जुड़ गए हैं, ललन सिंह और सुरेश गोपी, इनको भी कॉल जा चुका है, और इसके अलावा कुछ और सहयोगी दल हैं, जल्द ही इनको भी कॉल जाएगा, और ये भी पहुंचेंगे 11 से 12 बजे के बीच में, पीएम जब अपनी चाय के मुलाकात में जब संभावित मंत्रिमंडल के सदस्यों को पहुंचाएंगे। तो ये दो नए नाम हैं, और जैसा कि यतेंद्र बता रहे थे कि अर्जुन राम मेघवाल, उनको भी कॉल आया, राजस्थान से एक या दो नाम और हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर अभी सबकी नजरें हैं, और मध्य प्रदेश पर अभी देखना होगा, अगले चंद मिनटों में एमपी से भी कम से कम दो या तीन नाम आएंगे जिनके पास से कॉल जाएगा। तो लगातार हमारी ये नजर है, और एक और पूर्वोत्तर से, सिक्किम से, सिक्किम और असम से भी कई नाम के आने की यहाँ पर संभावना है। बिल्कुल, तो चाहे पूर्वोत्तर हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर हमारी नजर है, और जैसे फोन की घंटी बज रही है नेताओं की, वैसे ही न्यूज 18 इंडिया अपडेट भी आप तक पहुंचा रहा है। और चलिए, अब सबसे पहले बिहार का भी हम बात कर लेते हैं कि बिहार में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पहले हमने आपको बताया था कि 8 चेहरे मंत्रिमंडल में बिहार से हो सकते हैं, इसमें 3 नेता आपको जेडीयू के दिखाई देंगे, 3 बीजेपी के दिखाई देंगे। अब बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो आपको बता दें, मोदी सरकार में जेडीयू से 2 मंत्री हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, यह अहम जानकारी, जेडीयू से 2 मंत्री, और इसमें ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का फिलहाल नाम सामने आ रहा है। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जेडीयू से 2 मंत्री हो सकते हैं। खबरें पहले तो यही मिल रही थी कि 3 की डिमांड जेडीयू की तरफ से की गई है, लेकिन यतेंद्र ने कल ही यह बता दिया था कि जितने भी सहयोगी दल है किसी की कोई डिमांड नहीं है, किसी ने इस आधार पर समर्थन नहीं दिया है कि हमें इतने अगर मंत्रिमंडल में जगह ना मिली या फलानी चीज नहीं मिली तो समर्थन नहीं करेंगे। ये यतेंद्र कल ही आपको बता चुके हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से 2 मंत्री मंत्रिमंडल में दिखाई देने वाले हैं। अब एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ी हुई और एनसीपी अजित पवार गुट से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता दें, इन दोनों को ही कैबिनेट में एक एक पद मिलने वाला है। शिवसेना शिंदे गुट ने 7, एनसीपी अजित पवार गुट ने 1 लोकसभा की सीट जीती है, और दोनों के ही खाते में मंत्रिमंडल में एक एक चेहरा जाने की संभावना अभी जताई जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट दोनों ही एक एक मंत्रिमंडल में जगह पाने वाला ये दल अब बन चुका है। अहम जानकारी, 7 सीट है शिवसेना शिंदे गुट के पास और अजित पवार के पास 1 सीट है, तो मतलब महाराष्ट्र को भी 2, यहां पर महाराष्ट्र के 2 चेहरे दिखाई देने वाले मंत्रिमंडल के अंदर। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट का 1 नेता आपको दिखाई देगा और एनसीपी अजित पवार गुट का 1 नेता मंत्रिमंडल में दिखाई देगा।
और चलिए सीधा हम अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, अलग अलग राज्यों के ऊपर तो नजर है ही, लेकिन महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये जो अहम जानकारी थी वो दर्शकों के सामने हमने रखी, ये दो चेहरा, लेकिन वो नाम कौन सा होगा उसके ऊपर तो अभी भी सस्पेंस है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात तय है कि शिवसेना और एनसीपी के एक एक जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य की जो संख्या उनको मिलेगी, तो मतलब साफ है कि जिस इम्पोर्टेंस को मोदी सरकार महाराष्ट्र को देना चाहती है वो दे रही है, क्योंकि अपने कोटे से भी बीजेपी महाराष्ट्र से देगी। देखिए, महाराष्ट्र को अगर खास तौर पर आपने बात की तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और सहयोगियों के दम पर ही वह अपनी कुछ हद तक एनडीए महाराष्ट्र में संख्या बल बचाने में कामयाब रहा है। तो इसलिए महाराष्ट्र को उचित प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिलेगा, और ये मेरे सूत्रों की जानकारी के मुताबिक जो सहयोगी दलों के मंत्रिपरिषद की संख्या है ये दो नहीं होगी, कम से कम 3 से 4 होगी, जिसमें शिंदे गुट के 2 होंगे, एनसीपी के 1 होंगे, और शायद एक और एनसीपी को मिल सकता है या फिर शिंदे गुट को मिल सकता है। तो 3 से 4 इनके मंत्री परिषद की संख्या होगी, और बीजेपी भी 1 या 2 देंगे। अभी इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में